इंकलाब जिंदाबाद। नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल, आप सभी को नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी इस्बाल पेश करता हूं। और जिस प्रकार से आप सभी को पता है कि आज 11 तारीख हम लोगों को दी गई थी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो भी भर्तियां थी, उन भर्तियों के लिए 7810 भर्तियों के लिए जिनकी 10 नवंबर को एग्जाम हुई थी, आज 2 महीने पूरे हो चुके हैं कल, और आज उस 2 महीने के बाद पहला दिन था जब हमने साफ कहा था कि 2 महीने पूरे होते ही अगले दिन से हम और भी भयंकर आंदोलन शुरू कर देंगे। हमने इस भर्ती के लिए काफ़ी संघर्ष किया, लगातार 5500 की फाइल 2310 में जुड़वाई। 2 साल से ये भर्ती अटकी पड़ी थी, राजनीतिक शिकार हुई ये भर्ती एक तरीके से। उसके बावजूद मंत्री जी ने जिद पकड़ रखी थी कि यह भर्ती किसी भी हाल में पूरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये केंद्र की भर्ती थी। हर तरीके से उन्होंने सारे प्रयास किए, फिर भी हमने हर तरीके से इस लड़ाई को लड़ते हुए, और अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं कि उन लोगों ने काफ़ी अच्छे से काम करके आज कंप्लीट रिजल्ट तैयार हो चुका है। आज हमारी मीटिंग हुई है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, जो भर्ती देख रहे हैं मुख्य रूप से नरेश ठकराल जी, उनसे हमारी आज वार्ता हुई है। अभी वार्ता का वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाएगा, वो वार्ता जो हुई थी उसका पूरा वीडियो है हमारे पास, और पूरी बात हुई है, जो भी बात हुई है कम्प्लीटली उसका वीडियो हमारे पास। आज उन्होंने साफ कह दिया कि रिजल्ट तैयार हो चुका है, लेकिन जो रिजल्ट है उसके लिए वो खुद मंत्री जी से जाकर अप्रूवल लेने जाएंगे। तो अब आप लोगों से सभी से निवेदन है कि हमने 11 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया था, आज 11 तारीख है साथियों, आज 11 तारीख है, और 11 तारीख को रात तक मैंने कहा था कि रिजल्ट आ जाएगा, नहीं तो 12 तारीख को हम लोग इस चिकित्सा जो स्वास्थ्य भवन है यहाँ पे जबरदस्त घेराव करेंगे। तो उस जबरदस्त घेराव की तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है। कल सबसे पहले मैं साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं, जिससे हम लोग कल जो घेराव करेंगे उसको मजबूती मिल सके। सरकार का यहाँ पे जबरदस्त घेराव किया जाएगा, यहाँ पे हम लोग कल प्रदर्शन करेंगे बहुत बड़ा। तो पूरे राजस्थान से जितने भी जिले हैं, जो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं वो कलेक्ट्रेटों में प्रदर्शन शुरू कर दें, क्योंकि रिजल्ट जारी करना पड़ेगा सरकार को। हम लोग ये नहीं कि सर मंत्री जी आपकी पूजा करेंगे या कुछ और करेंगे, यहाँ पे सीधी सी बात है, साफ सुथरे शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि मंत्री हो चाहे कोई भी हो, जो बेरोजगारों के साथ अन्याय करेगा उसको जूते पड़ेंगे सीधे, और जूते मारने का हम सामर्थ्य रखते हैं। पहले भी 3 मंत्री जूते खा चुके हैं, और अब 4th नंबर किसी और मंत्री का नहीं आ जाए, इसलिए पहले ही हम स्पष्ट रूप से आपको कह देना चाहते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती का परिणाम हो सकता है कल आने से पहले पहले आप लोग जारी कर दें। कल हमारा यहाँ पे घेराव रहेगा, उसके बाद अगला जो 15 तारीख को हमारा महापड़ाव रहेगा सिविल लाइन फाटक पे, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है साथियों, 13 और 14 की। आज अधिकारियों ने हालांकि हमें आश्वस्त किया है कि आजकल चल रहा है, तो आजकल से हम तंग आकर कल बड़ा घेराव कर रहे हैं, बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। और साथियों मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं, आज पहली बार वीडियो में तो स्पष्ट रूप से देख लेना, आप लोग सुन लीजिएगा, रिजल्ट लगभग तैयार हो चुका है और वो अप्रूवल लेने की तैयारी में है MD साहब। हम झूठा माहौल बनाने की कोशिश नहीं करते कि भाई रिजल्ट आ रहा है और झूठे प्रदर्शन कर दिए, ये कर दिए, रिजल्ट अपने आप ही आ रहा है, तो इस प्रकार का आप लोगों को पता है हमारा कभी मूड नहीं रहता। पूरी भर्ती है उसमें हम लोगों ने कदम दर कदम एक एक चीज 5500 भर्तियां 2310 में जुड़वा कर पूरी की पूरी जो फाइल करवाई है, नहीं तो ये भर्ती आपको पता है कि 5500 की जो फाइल अभी करी गई है ये बहुत लंबा खींच जाता। 2310 तो 2 साल में पूरी नहीं हो पाई थी, 5500 की एक और फाइल जो हमने लड़ झगड़ के इनसे जुड़वाई थी वो भी आने वाले वक्त में 2 साल और लग जाते, और इस भर्ती को 4-5 साल लग जाते साथियों। इसी प्रकार से सारी वैकेंसियों में कभी कोर्ट की कोई दिक्कत नहीं आए, इसके लिए हमने केवीएट लगवाई, हर तरीके से इन भर्तियों में हम लोगों ने सरकार से लड़ाई लड़ी, और मजबूती से लगातार हमने लोगों ने लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई में आप लोगों ने हमेशा साथ दिया, इसके लिए भी धन्यवाद। लेकिन फेसबुक या साथ दिया, ज़्यादातर लोग जो यहाँ पे आके साथ देना चाहिए वो नहीं देते हैं। तो साथियों 15 तारीख को महापड़ाव है सिविल लाइन फाटक पे, और कल जो प्रदर्शन है उसमें राजस्थान में जो जयपुर में जो साथी रह रहे हैं वो सारे साथी हम लोगों से, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे पास व्हाट्सअप करें अपना नंबर, और कल यहाँ पे आएँ, यहाँ स्वास्थ्य भवन पे हम हाहाकार मचाएंगे। आज हमारा आखिरी बार मीटिंग हुई है सरकार से, NHM MD साहब से, सरकार से, अगर नहीं रात तक जारी नहीं करते हैं या कल दोपहर तक रिजल्ट जारी नहीं करते हैं तो स्वास्थ्य भवन का की हालत हो सकता है कल प्रदर्शन में बहुत ख़राब हो। दूसरी सेकंड बात मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं साथियों, कल जयपुर के जितने भी साथी, बार बार एक ही बात कह रहा हूं, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा साथी यहाँ पर इकट्ठे हों। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा साथियों। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती का परिणाम जारी करवाने के लिए कल यहाँ पे 12 तारीख को बहुत बड़ा प्रदर्शन है, और 15 तारीख को सिविल लाइन फाटक पे महापड़ाव है साथियों। और जो लोग मेरे साथ सुबह रघु शर्मा जी से, मंत्री जी से,
मिलने के लिए आए, वो सुबह हम लोग मंत्री से भी मिलेंगे, मंत्री नहीं मिलेगा तो हो सकता है हमें किसी भी प्रकार की हद तक जाना पड़े, तो हमारी कोई गारंटी नहीं है, सरकार खुद जिम्मेदार होगी हर चीज की। साथियों, इसके बाद मैं आप लोगों से स्पष्ट रूप से ये कह देना चाहता हूँ कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती में जो वीडियो जरूर देखेंगे आप लोग, थोड़ी देर बाद डाल दिया जाएगा, हमारी जो वार्ता हुई है साफ कह दिया उन्होंने, रिजल्ट तैयार हो गया, लेकिन जल्द से जल्द रिजल्ट डालने वाली भी है सरकार, खैर, लेकिन हम लोगों के दबाव जो रेगुलर हमारे प्रदर्शन चल रहे हैं, 7-7 दिन के अंतराल में जो प्रदर्शन चल रहा है उससे इस स्वास्थ्य भवन पे प्रदर्शन चल रहा है। हम लोग ये नहीं करेंगे कि भाई कहीं और तख्ती लेके खड़े हो गए, कुछ और खड़े हो गए। साथियों, स्पष्ट रूप से दबाव स्वास्थ्य भवन पे ही बनेगा, सरकार को घेरना है, यहीं ये केंद्र है, सीधा तीर मारना है तो मछली की आंख में मारना है, जो लक्ष्य है उसी पे काम करना है। साथियों, आप लोगों को बिल्कुल भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, सभी साथी साथ दें जिससे कल प्रदर्शन हो यहाँ पे और 15 तारीख को महापड़ाव हो। साथियों, ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती का मैंने आप लोगों के सामने निष्कर्ष निकाल दिया, मैंने जो बोला आज तक जो हमेशा किया है, जिस दिन बोला है उसी दिन किया है। अधिकारियों को पहली बार ऐसे आप लोगों ने सहमा हुआ देखा होगा कि सीढ़ियों पे हम लोगों ने चढ़ा दिया था, घेर लिया था, हर तरीके से हालत खराब कर दी थी और इस भर्ती का रिजल्ट तुरंत प्रभाव से निकलवाने के लिए आज यहाँ पे सारे अधिकारी बैठते हैं, सबको पता है, बिना पर्ची अंदर जाता हूँ, सब तरीके से आर पार की लड़ाई लड़ता हूँ सबके लिए, सब अधिकारियों को पता है, एमएलए एमएनपी पर्ची दे के अंदर घुसते हैं लेकिन हम बिना पर्ची के जाते हैं। साथियों, और आप लोगों का साथ रहा तो इसी तरह से हम लोग आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ेंगे और अंदर घुसेंगे और वार करेंगे सरकारों पे, क्योंकि बेरोजगारों को जागने की आवश्यकता है, जो टुकड़ों में बांट देते हैं और बेवकूफ बनाते हैं, लड़ाइयां लड़ते हैं, बेमतलब की लड़ाई लड़वा देते हैं आपस में, किसी को ये तो जीएनएम वाले, ये एनएम वाले, ये नर्सिंग वाले, ये पैरामेडिकल वाले, ये फार्मेसी वाले, तो वो चीज हमने बिल्कुल खत्म कर दी है। हर कैडर को साथ लेकर हम लोग चलेंगे, हमारे साथियों को कल हमारा जो बड़ा प्रदर्शन है उस प्रदर्शन में हमारे फार्मासिस्ट साथी भी हमारे साथ होंगे, क्योंकि फार्मासिस्ट साथियों के लिए भी लिखित परीक्षा की जो मांग चल रही है उस मांग को हमारी, जैसे अब जैसे नर्सिंग के छात्र हैं तो उनके लिए भी भर्तियां लिखित परीक्षा से आनी चाहिए, भविष्य में मेरिट पे कोई भर्ती नहीं होनी चाहिए, उसी प्रकार फार्मासिस्टों के लिए जो लिखित परीक्षा से हम भर्तियां करवा कर लाए थे उसमें पदों को भी जो बढ़ाने की बात चल रही थी वो भी अब बैक में जा रही है। धीरे धीरे फाइनेंस डिपार्टमेंट कह रहा है कि पूरे पद अभी बढ़ाने में दिक्कत आएगी, अभी फाइनेंस के पास इतने पैसे नहीं है, तो साथियों वो भर्तियां की संख्या बढ़वानी तो बढ़वानी है ही फार्मेसी में, ऊपर से दूसरा उसको लिखित परीक्षा से कराना बहुत आवश्यक है, तो लिखित परीक्षा से वो भर्ती परीक्षा हो ताकि भर्ती में पारदर्शिता रहे, अगर भर्ती में पारदर्शिता नहीं रहेगी तो उसी तरीके से मेरिट पे जो भर्तियां होंगी फर्जी डिग्रियां लोग एमपी बेंगलोर जगह जगह से बनवा कर लाएंगे और बच्चों के साथ अन्याय होगा हमेशा की तरह, यह अन्याय कतई सहन नहीं किया जाएगा। पूरे स्वास्थ्य विभाग में जितनी भी भर्तियां हैं चाहे वो नर्सिंग की है या फार्मेसी के, सभी के लिए हमने फाइल चलवा दी थी लिखित परीक्षा के लिए, और जो ACS साहब हैं, जो चिकित्सा के मुख्य कर्ता धरता हैं हमारे सिद्धार्थ महाजन जी, उनसे हमारी वार्ता भी हो गई थी, फाइल भी चला दी गई थी, कार्मिक विभाग के लिए भेज दी गई थी। साथियों, वो बहुत जल्द उसमें लिखित परीक्षा से सारी भर्तियां हो, इसके लिए नियम लागू बनाए जाएं और फार्मासिस्ट भर्ती को लिखित परीक्षा से कराया जाए, ऐसा हम लोगों ने इसके लिए लगातार संघर्ष रखते हैं और एक बड़ा आंदोलन कल से शुरुआत हो जाएगी एक तरीके से फार्मासिस्ट साथियों के लिए भी, तो फार्मासिस्ट साथी है वो भी ज्यादा से ज्यादा आए, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वाले साथियों का साथ दें और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वाले साथी भी फार्मासिस्ट साथियों के लिए जितना ज्यादा हो उन लोगों का साथ दें। कल बड़ा प्रदर्शन स्वास्थ्य भवन पे है और कल ट्रेलर है साथियों, 15 को फिल्म बनाई जाएगी सरकार की सिविल लाइन फाटक पे, आप लोग चिंता मत कीजिए। उसके बाद मैं आप लोगों के पास आ जाता हूँ पैरामेडिकल भर्ती के लिए। पैरामेडिकल भर्तियों में साथियों हमारे भवानी कुमार भाई हैं, ये काफी लगातार निरंतर संघर्ष भी कर रहे हैं और साथी हैं पंकज कुमार भाई और ये लोग सभी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तो इन साथियों का संघर्ष भी काफी अच्छा रंग ला रहा है। आज हमारी वार्ता हुई है पैरामेडिकल भर्तियों के लिए, जो सर्वे सर्वाएं और जो कर्ता धरता है, अधीनस्थ आयोग में भी हमारी निरंतर वार्ता हो रही थी, अब आज डॉक्टर प्रताप सिंह दूतड़ से वार्ता हो गई है। डॉक्टर प्रताप सिंह दूतड़ जी जो अभी पूरी भर्ती को देख रहे हैं, सक्सेना जी देख रहे हैं, तो उनसे साफ साफ बात हो गई है 31 जनवरी तक पैरामेडिकल की भर्ती की लिस्ट, सभी साथियों की फाइनल लिस्ट सूची जारी कर दी जाएगी अब, और बहुत जल्द उनको नियुक्ति मिलेगी, ऐसा उन लोगों ने आज आश्वासन दिया है फाइनली। और आश्वासन क्या, 22-23 तारीख तक कंप्लीट रिजल्ट तैयार होके, पूरा उसके लिस्ट तैयार होके और बहुत जल्द अप्रूवल के लिए चली जाएगी मंत्री तक और सरकार तक, और बहुत जल्द इसमें 31 जनवरी से पहले पहले पैरामेडिकल की भर्ती पूरी कर दी जाएगी। कई साथियों को ये खतरा था कि भी पैरामेडिकल में बाहर के लोग लगेंगे फर्जी डिग्रियों वाले, जिनको कितनी डेट थी वो 30 जुलाई डेट वाले जो थे उनको ही मान्य किया गया। हमारा लगातार प्रेशर था सरकार पे कि भाई जो उसके बाद वाले कितने 18-11 वाले जो थे उनका पूरे का सिस्टम कैंसिल कर दिया गया है, 30 जुलाई तक ही वैधता की जाएगी पैरामेडिकल के साथियों के लिए।
30 जुलाई तक के जिन लोगों के फॉर्म जमा हुए थे और सारा कुछ हुआ था प्रोसेसिंग, उन्हीं के लिए मान्य होगा। उसके बाद वालों के लिए किसी के लिए मान्य नहीं होगी भर्ती में किसी का भी। सबका खारिज कर दिया गया है। बहुत अंदरूनी रूप से मजबूती से काम हुआ है पूरा और सारा प्रोसेस प्रक्रिया पूरी हो गई है। पैरामेडिकल के साथी जो राजस्थान के ये सोच रहे थे कि हम बाहर हो जाएंगे, आपके भाई ने वादा किया था आपसे कि कोई फर्जीवाड़ा हम लोग नहीं होने देंगे किसी भी हाल में। और अधीनस्थ आयोग पे हमने घेराव किया था, चैलेंज किया था। बीएल जटावत के खिलाफ भी हमने आरटीआई लगा दी थी, कई लोगों के खिलाफ हमने कार्रवाई करवाई इस मामले में। और पैरामेडिकल की भर्ती को बहुत जल्द 31 जनवरी से पहले पहले पूरा कर दिया जाएगा साथियों, ये वादा हम लोग कर रहे हैं। हर तरीके से आप लोगों की लड़ाई लड़ी है और लड़ते रहेंगे। और आप लोगों से कह देना चाहता हूँ, ईसीजी के कुछ साथी हैं, राहुल दुबे भाई है, ईसीजी की भर्ती की मैं आप लोगों से कह देता हूँ, कल और परसों लास्ट है। एक दो दिन में ईसीजी की जो वेरिफिकेशन लिस्ट है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लिस्ट, वो जारी कर दी जाएगी। आज हमारी मीटिंग हो गई है डॉक्टर प्रताप सिंह दूतर जी जो पैरामेडिकल की सारी भर्ती को देख रहे हैं, उनसे हमारी वार्ता हो गई है। और अधीनस्थ आयोग में भी हमारी बात हो गई थी, मुकुल शर्मा जी हैं, उनसे भी हमारी इस विषय पर बात हो गई थी। साथियों, मुकुल शर्मा जी से कल सुबह यहाँ पे फार्मेसी के लिए और लिखित परीक्षा की नर्सिंग भर्तियाँ जितनी हैं उनके लिए भी, सभी के लिए लिखित परीक्षा से सारी भर्तियाँ हों, इसके लिए यहाँ मुकुल शर्मा जी से मिला जाएगा। और एनएचएम के जो एमडी साहब हैं उनका भी यहाँ घेराव किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री से भी कल मिला जाएगा जहाँ तक प्रयास होगा, सब तरीके से सभी अधिकारियों से, एसीएस से भी हमारा कल मिलना होगा ऐसा हम मानते हैं, एसीएस सिद्धार्थ महाजन जी से भी। और जो चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य के जो दोनों विभाग है जिनकी खिचड़ी इन्होंने बना रखी है, उसके लिए वैभव गिलेरिया जी से स्वास्थ्य सचिवालय में प्रशासन हो सकता है हमारे प्रदर्शन के बाद हमें मिलाए। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कल आएँ जिससे इस आंदोलन को मजबूत किया जा सके, हमारा साथ दीजिए जिससे निरंतर जो हमारा संघर्ष है उसको करने में मजे आए। एक दूसरे का मेडिकल सिस्टम में सबसे बड़ी दिक्कत है कि एक दूसरे का पैर खींचने का बहुत बड़ा काम रहता है, वो उसके पैर खींचता है, वो कोई कुछ करता है उसे करने दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो रियल में आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा है उसके लिए साथ दें, संघर्ष करें। नहीं तो प्रोफेशन में इसी तरह से जैसे 2015 में प्राइवेट में देने की बात हुई थी और हमने इसी स्वास्थ्य भवन पर लठ से लठ बजा दिए थे, मुश्किल से रोका था प्राइवेटाइजेशन पूरे राजस्थान का, पीपीपी मोड पे पूरे राजस्थान के मेडिकल फील्ड को दे दिया गया था और हम लोगों ने आर पार की लड़ाई यहाँ पे लड़ी थी। उसी प्रकार की लड़ाई आप लड़नी पड़ेंगी, नहीं तो भ्रष्टाचार और जो फर्जीवाड़े हैं उनकी भेंट ये भर्तियाँ चढ़ने का प्रयास होगा। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की मैं आप लोगों से स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ साथियों, अगर इसमें एक भी फर्जीवाड़ा किसी को लगता है वो मेरे पास उसका सबूत भेजे, मैं तुरंत प्रभाव से इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा और इस भर्ती में ज़्यादा से ज़्यादा जो कुछ जो भी गलत होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करवाते हुए इसमें पारदर्शिता रखवाने के प्रयास करे जाएंगे। जहाँ तक है पूरा पारदर्शिता आप लोग वीडियो देखेंगे जो एमडी साहब से मीटिंग का, तो आप लोगों को सबको पता चल जाएगा कि इसमें किस तरह से काम हुआ है और हमारा दबाव कितना था सरकार पे, वो भी आप लोगों को उस वीडियो में पता चल जाएगा। साथियों, आप लोगों से इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि साथ दें ज़्यादा से ज़्यादा लोग। और हाँ, एलटी यूनियन से और साथी लोग भी यहाँ पे आए हुए थे, अशोक जी और जितेंद्र जी हैं, जो जितेंद्र चौधरी जी हैं वो भी आज यहाँ पे आए थे, तो मैं वो उन्होंने भी अच्छा साथ दे रहे हैं सभी। और लोकेश शर्मा भाई है जो एसएमएस से, वो भी काफ़ी साथ दे रहे हैं। तो बहुत जल्द इस भर्ती को पूरा करवाने में हम लोग सक्षम होंगे। रोज हमारी वार्ताएं हैं अधिकारियों की, बिल्कुल पूरा खौफ है हम लोगों से। जो एमपी एमएलए और मंत्री खौफ नहीं बना सकते उससे बढ़िया खौफ हमारा है, आप लोगों को सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरा नाम डालते ही गूगल पे सिर्फ और सिर्फ हर तरीके की चीज़ें आप लोगों के सामने आ जाती है स्ट्रगल की, तो वो सब देख सकते हैं आप लोग। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो जरूर शेयर करें जिससे हम लोग मजबूत हो सके सारे साथी और आंदोलन को और मजबूत कर सके। साथियों, धन्यवाद साथियों। और आज हमारा जो आज वार्ता हुई, अब कल आज अल्टीमेटम दे दिया हमने और कल का घेराव है बहुत बड़ा, तो आप लोग बस ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे पधारें जिससे हम इस सरकार के परकच्चे उड़ा सकें और इनको नानी याद दिला सकें, उनको ये बता सके कि हमारी ताकत क्या है। हमारी अगर कोई मांग नहीं मानता है और फिक्स डेट नहीं बताते हैं तो इनका अंजाम क्या हो सकता है ये सरकार कल पता चल जाएगा और आने वाली 15 तारीख को पता चल जाएगा। जिम्मेदार सरकार स्वयं है, हमारी कोई गलती नहीं है इसमें, हमने जब भी बोला है जो बोला है वो पूरा किया है और अब सरकार तैयार हो जाए हमारा सामना करने के लिए, आर पार की लड़ाई के लिए। कल सारे साथी हमारा साथ देने के लिए आए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। 9390993937 9390993937 नंबर पे मेरे वाले पे आप लोग सभी जो लोग कल पधारेंगे यहाँ पे अपना नंबर भेज सकते हैं, अपना नाम भेज सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो जयपुर के साथी हैं वो कल पधारे, ज़्यादा से ज़्यादा 15 तारीख को बाहर के सभी साथी आएँ। कल ज़्यादा से ज़्यादा सारे साथी सीएचओ के लिए,
कलेक्ट्रेटों पे ज्ञापन देंगे, एसडीएमओ को ज्ञापन देंगे, जितनी भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें प्रदर्शन आज से हमने शुरू कर दिए हैं। सभी साथियों ने आज काफ़ी साथियों ने सब प्रदर्शन किया, उसके लिए धन्यवाद। और बाकी चारों तरफ माहौल तैयार करने का काम आप लोग करेंगे, जितना अच्छा माहौल हम लोग तैयार कर पाएंगे उतना ही मजबूत हमारा आंदोलन होगा। साथियों धन्यवाद, ज़्यादा से ज़्यादा भरत बेनीवाल से जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।